सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए हेल्थ और उससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे होंगे। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जो है बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, किडनी को डैमेज कर देंगी आपकी ये 8 आदतें। दोस्तों इन आदतों के बारे में जानने के लिए आप कृपया हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के जरूरी विषय के बारे में। दोस्तों किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किडनी सफाई के लिए वो महत्वपूर्ण अंग है जिसके सही से काम ना कर पाने पर शरीर रोगों का घर बन जाता है। दोस्तों ये हमारे शरीर में विजातीय पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है और हमारे खून को साफ करता है। दोस्तों शरीर में जरूरी मिनरल्स और जरूरी एसिड्स को बनाए रखता है। दोस्तों ये सब काम और बहुत सारे काम किडनी हमारे शरीर के लिए करता है। लेकिन दोस्तों बात तब बिगड़ती है जब हम ये 8 आदतें अपना लेते हैं जो कि किडनी को खराब करने का अहम कारण है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं इन 8 आदतों के बारे में। सबसे पहला पेशाब रोकना। दोस्तों अगर आप बार बार या जानबूझकर अपने पेशाब को रोकते हैं तो ये आपकी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। दोस्तों ऐसे में किडनी में स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं और किडनी को बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों इससे किडनी में काफी प्रेशर बनता है जिससे किडनी खराब होने का डर बना रहता है। तो दोस्तों जब भी पेशाब आए तो इसे कभी मत रोकिए। दोस्तों दूसरी चीज ज्यादा नमक का खाना खाना। दोस्तों शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए नमक या कहें सोडियम की जरूरत होती है। अगर हम फल सब्जियां रेगुलर खाते हैं तो हमको सोडियम की सही मात्रा हमें उसी से मिल जाती है, मगर हम इसको फिर भी अलग से भोजन में खाते हैं। दोस्तों अधिक मात्रा में नमक आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और किडनी पर अत्यधिक बोझ डाल देता है। दोस्तों दिन में 5 ग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। दोस्तों तीसरी आदत है कम पानी पीना। दोस्तों अगर आप कम पानी पीते हैं तो किडनी को ब्लड साफ करने के लिए लिक्विड की जरूरत होती है जो फिर उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। और दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके खून में समाई हुई गंदगी आपके शरीर में ही रह जाती है और ये निश्चित सी बात है कि इसके जरिए आपके किडनी को एक बहुत ही बुरा असर पड़ता है। दोस्तों चौथी आदत है कोल्ड ड्रिंक का पीना। दोस्तों अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपके किडनी के लिए कितना हानिकारक होता है। दोस्तों आपके पूरे शरीर के लिए अधिक कोल्ड ड्रिंक पीने से आपके शरीर को प्रोटीन आपके मूत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिसका अर्थ यह है कि आपकी किडनी उस समय सही तरीके से काम नहीं कर पा रही होती है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हमारी किडनी पर काफी फर्क पहुंचता है और इससे किडनी खराब होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। दोस्तों पांचवी आदत पूरी नींद ना लेना। दोस्तों जब आप सोते हैं तो आपकी किडनी के उत्तेकों का यानी फंक्शंस का नया निर्माण होता है। ऐसे में आपको पूरी नींद और अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नए फंक्शंस बनने में इसमें बाधा आएंगी और फिर आपकी किडनी पर प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों छठी आदत है शराब पीना। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि शराब पीने से हमारे किडनी और लीवर पर एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको एक स्वस्थ किडनी और लीवर चाहिए तो आपको अल्कोहल लेने की आदत को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों सातवीं आदत है मांसाहार। दोस्तों अगर आप मांसाहारी खाना ज्यादा खाते हैं तो आपकी किडनी के मेटाबॉलिज्म पर अधिक दबाव पड़ता है। अगर आप अपनी खुराक में अधिक प्रोटीन लेंगे तो इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी किडनी को अधिक काम करना पड़ेगा, जो भविष्य में आपका सामना बहुत बुरी मुसीबतों से करवा सकता है। और दोस्तों आठवीं आदत भोजन में मिनरल्स और विटामिन्स की कमी। दोस्तों भोजन में ताजे फल और सब्जियों का होना किडनी और पूरे शरीर के लिए ही बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों किडनी के फेल होने और स्टोन होने के अधिक चांसेस तब बढ़ जाते हैं
जब हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में हम मिनरल्स और विटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होने से किडनी के फेल और किडनी स्टोन होने के खतरे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम और विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है किडनी के रिस्क को कम करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी 8 आदतें जो कि आपके किडनी को डैमेज कर देंगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी तरफ से दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल बी हेल्दी एंड लिव हेल्दी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।